मेष कांच यक्ति चंद्रमा गोचर कुंडली के पांचवें भाव में रहेगा। काम से जुड़ी प्लानिंग पर काम होगा और सफलता मिलेगी। एक काम खत्म होते ही दूसरे के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देंगे। जल्दी ही आपको कुछ और अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। कल तक जिस समस्या से परेशान थे वही आपके लिए मामूली हो सकती है। पैसों की समस्या का सामना कर रहे थे तो राहत मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सोचे हुए कामों को निपटाने की कोशिश में आप सफल भी रहेंगे। थोड़ी मेहनत और त्याग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। घर या ऑफिस में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। प्रेमी से मुलाकात और बातचीत करके उलझे हुए मामले सुलझा लेंगे। किसी को आपसे बहुत ज्यादा भावनात्मक मदद की जरूरत भी रहेगी। नेगेटिव, आप किसी बड़े पद पर हैं तो सावधान रहे। कोई बात या बयान आपको परेशान में डाल सकता है। भाग दौड़ या मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आप ज्यादा जोश में आकर आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। इस आदत पर कंट्रोल करें। क्या करें? हरे कपड़े से जूते साफ करें। लम्बेश राशि वालों के प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकते हैं। प्यार को इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर दें। करियर बिजनेस से जुड़े कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा। कारोबार बढ़ाने की कोशिश में सफलता मिलेगी। निचले वर्ग के लोगों से मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम भी मिल सकते हैं। हेल्थ थकान भरा दिन रहेगा। आराम करें नहीं तो परेशानी भी हो सकती है। वृश्चिक परिवार के साथ बातचीत करके परेशानियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसी दोस्त या प्रेमी से आपको कोई वादा भी करना पड़ सकता है। शादी का प्रपोजल है तो उसका साफ जवाब देंगे। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। कई लोग आपकी देखा देखी भी कर सकते हैं। आज आप अजीब तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको भी मदद मिल जाएगी। कुछ लोगों को अपने मकान के लिए किराएदार भी मिल सकते हैं। नेगेटिव, आपको सावधान रहना चाहिए। गोचर कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा रहेगा। कोई सामाजिक घटना हो सकती है। नौकरी या कारोबार से जुड़ी किसी बात का डर भी हो सकता है। इससे आपको दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। दिन भर संभल कर रहना होगा। घर परिवार की चिंता भी लगी रहेगी। कामकाज में नए बदलाव करने से बचें। क्या करें? केसर चंदन मिलाकर तिलक लगाएं। लव प्रेमी की बातों पर भरोसा करें। शक ना करें। आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लवर को गिफ्ट में कॉस्मेटिक्स दें। करियर ऑफिस या फील्ड में समय आपके फेवर में नहीं होने से परेशानी महसूस होगी। कुछ नया ना करें। बिजनेस में नए प्रयोग करने से बचें। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। हेल्थ, सिर और पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं। खान पान पर पूरा ध्यान दें। मिथुन पॉजिटिव, रोजमर्रा के काम पूरे होंगे। चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि के लिए फायदेमंद रहेगी। ऑफिस में आपके दिए सुझावों पर गौर किया जाएगा। नए काम धंधे पर विचार करने के लिए दिन अच्छा है। आसपास के लोग आपका साथ देंगे। आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। परिवार में कुछ रोचक बातें भी हो सकती हैं। अपने आसपास होने वाले बदलावों को आप तुरंत महसूस कर लेंगे। आपके साथ जो उलझने पिछले कुछ समय से चली आ रही थी वे खुलकर सामने भी आ जाएंगी और आप उनको समय से निपटा लेंगे।
आमतौर पर आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा। नेगेटिव, आपको अपनी इच्छाएं मारनी पड़ सकती है। आप जो भी काम हाथ में लेंगे, बाद में उससे पीछे हटने का मौका आपको नहीं मिलेगा। छोटे कामों में भी ज्यादा समय लग सकता है। दोस्तों या आसपास के लोगों से कुछ खटपट हो सकती है। पैसा भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। थोड़ी कहा सुनी भी हो सकती है। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य का व्यवहार अचानक बदल सकता है। इस कारण आपके काम अधूरे भी हो सकते हैं। क्या करें, हरा रुमाल या कपड़ा साथ रखें? लव अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। पार्टनर आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। करियर, फालतू विवादों से बचने की कोशिश करें। कारोबार में खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को निराशा हो सकती है। सामान्य सफलता भी मिलेगी। हेल्थ कफ रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत पर ध्यान दें। कर्क पॉजिटिव, नौकरी धंधे में अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। निवेश में धन लाभ के भी योग हैं। चंद्रमा गोचर कुंडली के धन भाव में है। धन और भावनाएं आज दोनों आपके लिए खास हैं। इसका असर आप पर पड़ सकता है। आपकी लाइफ में जो भी कठिन स्थितियां हैं, वे जल्दी ही सुलझने वाली है। धैर्य रखें। आप जितने शांत और संयम में रहेंगे, तनाव को जितना टालेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। हर मामलों पर आप खुले मन से विचार करें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अच्छी मेहनत करेंगे तो चुनौतियों से निपट जाएंगे। नेगेटिव, किसी बात को लेकर आप थोड़े जोश में भी आ सकते हैं। शांत रहें। लोगों की बुराई करने से बचें। काम के बोझ और तनाव के कारण आप थोड़ी झुंझलाहट भी महसूस करेंगे। बिना सोचे समझे किसी से भी उलझ सकते हैं। इस तरह से किसी को भी चैलेंज देना आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या करें, भगवान को घी का दीपक लगाएं। लव कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ आरामदायक और खुशियों से भरी रहेगी। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। करियर, अधिकारी आपकी बातों से सहमत होंगे, लेकिन फिर भी कुछ दखल देंगे। कामकाज में सुधार होने के योग बन रहे हैं। बिजनेस बढ़ाने में सफल रहेंगे। हेल्थ, थकान और नींद की कमी हो सकते हैं। सिंह पॉजिटिव, नौकरी और कारोबार के मामलों में दिन आपके काम का है। नए लोगों से कांटेक्ट होंगे। आज जो कुछ हासिल कर लेंगे, वह आपकी तरक्की में जुड़ेगा। सजगता और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखेगी। किसी काम में कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको किसी की मदद करने का मौका भी मिलेगा। आज कुछ लोगों के साथ फोन पर होने वाली बात बहुत हद तक आपकी टेंशन दूर कर सकती है। जरूरी मामलों पर पार्टनर से राय लें। पिता से आपके संबंध ठीक रहेंगे। हर परेशानी की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव, खुद को खुश रखने के लिए खर्चा करने का रास्ता न अपनाएं। पैसों को लेकर थोड़ा सावधान रहें। किसी परेशानी का सामना भी कर सकते हैं। कोई काम तुरंत बने या ना बने, आप किसी तरह का शक मन में ना रखें। आपको सावधान रहना भी जरूरी है। चोट लग सकती है। माता पिता की सेहत का पूरा ध्यान रखें। शाम को पैसे भी खर्च हो सकते हैं। क्या करें, गाय को घास खिलाएं। लव, नई दोस्ती या किसी से नए इंसान से परिचय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। घर में खुशी का वातावरण रहेगा। करियर, कारोबार में व्यस्त रह सकते हैं। अधिकारी आपकी बातों को तवज्जो देंगे। ऑफिस और फील्ड में सम्मान मिलेगा। स्टूडेंट्स को कम मेहनत से भी अच्छी सफलता मिल सकती है।
हेल्थ, पुराने रोग खत्म होंगे और सेहत में सुधार होगा। दाएं हाथ में चोट लग सकती है। कन्या का जटिल काम में मन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपके सामने किसी ना किसी तरह की डिमांड भी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहे। मौका मिले तो थोड़ा समय अकेले में बिताएं। घर परिवार के सामानों की खरीदारी भी आज हो सकती है। यात्राओं के योग बन रहे हैं। दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से बातचीत होगी। सलाह मिलेगी या आप देंगे। नेगेटिव भाग दौड़ रहेगी। लगभग हर काम में बार बार कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कन्या राशि वालों को किस्मत का साथ कुछ कम ही मिल पाएगा। दिन जैसा है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करें। कुछ लोगों पर आप फालतू गुस्सा भी निकाल सकते हैं। आपका खर्चा बढ़ सकता है। खरीदारी में आप या तो अति कर सकते हैं या बिना देखे समझे कुछ खरीद कर खुद का नुकसान कर सकते हैं। आपके निजी संबंधों में किसी तरह का असंतोष या गलतफहमी हो सकती है। सावधान रहे। खर्चा और बढ़ भी सकता है। क्या करें? चेहरे पर गुलाब जल लगाएं। लव लाइफ पार्टनर का रवैया आपको परेशान कर सकता है। शिकायतों का भी दौर रहेगा। धीरे धीरे सब सुलझ भी जाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। करियर बिजनेस से जुड़ी टेंशन रहेगी। साथ काम करने वाले लोगों से परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। निर्माण कार्यों से जुड़े लोग सफल रहेंगे। हेल्थ, सेहत को लेकर सावधान रहे। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। तुला का जटिल उलझे हुए मामले आपके सामने साफ हो जाएंगे और आपके काम भी पूरे होने लगेंगे। आपको अपनी भावनाओं के आधार पर ही सफलता मिल पाएगी। पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। आपका नजरिया सकारात्मक होता जाएगा। आनंद से दिन बीतेगा। समस्याएं सुलझेंगी। कोशिशें आपको ही करनी होंगी। दिन भर फायदे के लिए कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। पैसों के निवेश के लिए कोई योजना बनाएंगे। आज आप कुछ कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आपको किसी ना किसी बात की खुशी भी रहेगी। इनकम और खर्चा बराबर हो सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। खाने पीने की चीजों की खरीदारी हो सकती है। नेगेटिव, निजी सम्मान की चिंता रहेगी। कोई समस्या आपके कामकाज में रुकावट बन सकती है। किसी उलझे हुए मामले को कल पर ना टालें। इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। आपके सुख में भी कमी हो सकती है। क्या करें? अनार खाएं। लव, इस राशि के अविवाहित लोगों के प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा। पार्टनर का मूड ठीक नहीं रहेगा। करियर बिजनेस में फायदा कुछ कम हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के ट्रांसफर का योग बन रहा है। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। हेल्थ, पानी से जुड़ी बीमारियां परेशान कर सकती है। सावधान रहे। वृश्चिक का जटिल रुके हुए काम शुरू हो सकते हैं। आपके सामने आज जो भी मौका आए उसे ना गंवाए। आज होने वाली कुछ खास मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आप जितने लोगों से मिलेंगे, जिसके साथ बातचीत होगी, उतने ही सफल भी हो जाएंगे। किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति से आपको सही सलाह मिल सकती है। अपने साथ के लोगों के प्रति आप ईमानदार रहेंगे। इससे आपके संबंध सुधर जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को आसपास के लोगों की मदद मिलेगी। आप अपने कामकाज में सफल रहेंगे। नेगेटिव, अधिकारी वर्ग से भी कुछ अनबन या भस होगी।
गैर कानूनी कामों से पैसा कमाने की ना सोचे वरना फंस सकते हैं। किसी करीबी व्यक्ति से अनबन होने के योग बन रहे हैं। सावधान रहे, खरीदारी में सावधान रहे, किसी मामले में अति भी हो सकती है। क्या करें, किन्नरों को मिठाई खिलाएं? लव इस राशि वालों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग है। प्रेम के इजहार के लिए दिन अच्छा है। करियर बेकार के कामों में भी समय खराब हो सकता है। बिजनेस में फायदेमंद बड़े सौदे मिल सकते हैं, लेकिन फैसला अभी नहीं होगा। नए बिजनेस या नौकरी का ऑफर मिल सकता है। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत के बाद अच्छी सफलता मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा। हेल्थ, सिर दर्द और कफ रोग हो सकते हैं। अपनी सेहत पर ध्यान दें। धनु पांचव, आपकी जीवन शैली में बदलाव होने के योग है। कुछ दिनों पहले किए गए अच्छे कामों का फायदा आज आपको मिल सकता है। टेंशन भी कम हो सकती है। करियर में आगे बढ़ेंगे, रुकावटें खत्म हो सकती है। कुंडली के किस्मत के घर में चंद्रमा होने से धनु राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस और फील्ड में लोगों से सहयोग मिल सकता है। आपकी परेशानियां भी कम हो सकती है। आप कुछ अच्छे बदलाव के दौर से भी गुजरेंगे। कुछ नए विचार भी आपके दिमाग में रहेंगे। आज आप नई योजनाएं बना सकते हैं। मेहनत का फायदा भी आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। पिता से मदद मिलेगी। कोई भी खास काम करने से पहले पूर्वजों को प्रणाम करें। विदेश यात्रा या दूर स्थान की यात्राओं की प्लानिंग बना सकते हैं। नेगेटिव, किसी पर अपनी बात मानने का दबाव ना डालें। पुरानी कोई बात कड़वी है तो उसे पूरी तरह भूलने की कोशिश करें। पैसा भी रुक सकता है, खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। साथियों से मनमुटाव होने की संभावना है। लाइफ पार्टनर की इच्छाएं पूरी करने के लिए मन मारना पड़ सकता है। कारोबार में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके सामने आपके कामकाज की बुराई कर सकते हैं। क्या करें, किसी गरीब बच्चे को पनीर खिलाएं या दूध पिलाएं? लव, जीवन साथी से भी कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपका रोमांस चरम पर हो सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। विवाहित लोगों को अपने साथी से मदद मिल सकती है। करियर, नया ऑफिस या दुकान खरीदने का मन बनेगा। कारोबार के लिए यात्रा के योग हैं। नौकरी में परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, आपके साथ सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। थकान और आलस्य भी रहेगा। मकर पॉजिटिव, अपनी सोच और व्यवहार सकारात्मक रखेंगे। दूसरों से सिर्फ उतनी ही उम्मीदें रखें जितनी व्यावहारिक हो। कुछ नए अनुभव भी आज आपको हो सकते हैं। खुद को लचीला रखेंगे तो आगे बढ़ने में सफल हो जाएंगे। यात्राएं करनी पड़ सकती है। अधिकारियों से बातचीत और बिजनेस के सौदों में गंभीर अंदाज रहेगा। आप हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और अपने सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे करवाने की कोशिश भी करेंगे। इसमें आप सफल हो जाएंगे। कारोबार से जुड़ी कोई कठिन परेशानी सुलझाने की कोशिश में लगे रहेंगे। रुके और उलझे हुए काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव, किसी मामले पर जरूरत से ज्यादा जिद ना करें। अपनी परेशानियां दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। थकाने वाला और तनावपूर्ण दिन हो सकता है। आपको कुछ नया नहीं करना चाहिए। चंद्रमा गोचर कुंडली के आठवें भाव में है। आप सावधानी जरूर रखें। जरूरत से ज्यादा खर्चा, गुस्सा,
क्रोध और कर्ज से परेशानी पैदा हो सकती है। फालतू यात्राओं का योग भी बन सकता है। अचानक हानि हो सकती है। पैसों के मामलों में किसी पर भी ज्यादा भरोसा ना करें। क्या करें? पूरी या पराठे पर गुड़ रख कर चौराहे पर रख दें। लव प्रेमी और लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान भी करेगा। करियर आपका पैसा कहीं अटक सकता है। कारोबार अस्त व्यस्त होने से तनाव बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। हेल्थ सेहत के मामले में मकर राशि वालों को संभल कर रहना होगा। चोट या छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। कुंभ राशि के करियर में आपकी उम्मीदें और संभावनाएं अच्छी रहेंगी। जिस चीज के लिए काफी समय से कोशिश करते आ रहे थे, उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आपके मन में जो नई और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके लिए तैयारियां शुरू कर दें। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहेंगे तो बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। मेहनत कम और एकाग्रता ज्यादा रखनी होगी। पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। नेगेटिव पैसों के क्षेत्र में कुछ तनाव या दबाव भी महसूस हो सकता है। काम धंधे में थोड़ी सी लापरवाही से भी नुकसान होने की संभावना है। गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने की कोशिश ना करें। ऑफिस और घर दोनों जगह की जिम्मेदारी को लेकर आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। क्या करें? पीपल के पेड़ पर पीला धागा बांधें। लव अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। जीवन साथी की मदद और प्यार मिलेगा। करियर बिजनेस के विवाद निपट सकते हैं। आपको फायदा भी होगा। ऑफिस या फील्ड का माहौल आपके फेवर में रहेगा। स्टूडेंट्स को मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक रहेगा। हेल्थ सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पेट संबंधित तकलीफ हो सकती है। मीन पॉजिटिव दिन भर आपको शारीरिक और मानसिक फुर्ती रखनी चाहिए। प्रेमी या जीवन साथी से संबंध और दृढ़ हो सकते हैं। कोई नया काम करने का मन बना सकते हैं या चलते काम को ही किसी नए तरीके करने की कोशिश भी करेंगे। इसमें आप सफल हो जाएंगे। अनचाही स्थितियों को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इनकम के मामले में रुकावटें आने का डर खत्म होने लगेगा। बड़े भाई से मदद मिलेगी। काम धंधा बढ़ाने के लिए आपने मेहनत की है तो उसके नतीजे भी आपके फेवर में होंगे। नेगेटिव, किसी काम के लिए बहुत ज्यादा जिद ना करें तो ही अच्छा है। बकाया काम भी आपके सामने रहेगा। उसे निपटाने का दबाव भी आप पर रहेगा। किसी दोस्त से अनबन हो सकती है। ऐसे ही अनबन सुलझाने वाले मामलों में कोई कदम न उठाएं। हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। दुश्मनों से भी परेशान हो सकते हैं। क्या करें? भून खाने का तेल जमीन पर गिरा दें। लव जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। करियर, दोस्तों और आसपास के लोगों से बिजनेस में मदद मिल सकती है। कारोबार भी अच्छा रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। सावधान रहे। हेल्थ, गैस और एसिडिटी हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें।